हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वियतनाम की तरफ से। दोस्तों, वियतनाम ने भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों, वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों, वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है। इसके लिए अब तक रूस की तरफ से सहमति की आवश्यकता थी, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। लेकिन अब रूस ने इस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन को थोड़ा संभल कर रहना होगा। दोस्तों, भारत के साथ रक्षा सहयोग में रूस ने दो बड़ी पहल करी हैं। रूसी सरकार ने भारत के साथ मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। साथ ही 100 रूसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है, जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हैं। ब्रह्मोस के निर्यात की अनुमति ऐसे समय मिली है जब चीन के पड़ोसी देश वियतनाम ने भारत के साथ ये मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। वियतनाम ने इसके साथ ही आकाश मिसाइल भी खरीदने की इच्छा जाहिर की है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में रूस की हिस्सेदारी 50% है, इसलिए मिसाइल की निर्यात के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता थी। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें लेना चाहता है। अगर डील हुई तो वियतनाम ये दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर सकेगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर में और उसके आसपास के इलाकों में कम होगा। साथ ही वियतनाम के साथ भारत का संबंध और मजबूत होगा। अगर ये डील होती है तो भारत को आगे 5 साल में $5 अरब का निर्यात करना होगा। ब्रह्मोस के एक अधिकारी ने मॉस्को में बताया कि अनुमति देने का कदम भारत और रूस के सामरिक रिश्तों और रक्षा सहयोग की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साल 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि दुनिया के कई देश भारत से यह मिसाइल खरीदने के इच्छुक हैं। कई देशों ने भारत से ये मिसाइलें खरीदने में अपनी रुचि दिखाई थी। इनमें वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। उनका कहना है कि सरकार भी अपने मिसाइल मित्र देशों को बेचना चाहती है। चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वह उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल बेच दे। हालांकि चीन ने भारत के कई पड़ोसी देशों पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश आदि को कई तरह के संवेदनशील हथियारों का निर्यात कर भारत की सुरक्षा पर आंच डाली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मोस मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 3000 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। इसमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार लिए जा सकते हैं। यह 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशान लगा सकती है। इसकी गति इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है। यह 3430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है। यह 19 फीट लंबी है। यह 60 किलोग्राम वजन के हथियार को ले आने में सक्षम है। इसे एंटी मिसाइल सिस्टम के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है। इसकी गति 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी करीब 1.20 किलोमीटर एक सेकंड में। दुश्मन जब तक इसे रोकने की तैयारी करेगा, तब तक उसे यह नेस्तनाबूद कर चुकी होगी। धन्यवाद।